झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। मेरा नाम अखिलेश प्रसाद है, मैं सीएससी कांके में पदस्थापित हूँ एज ए निगरानी निरीक्षक के पद पर। और हम लोग अभी बहुत सारा नेशनल प्रोग्राम चल रहा है जिसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम है कोरोना का वैक्सीनेशन का, जो लक्ष्य 15 तारीख तक हम लोग को 100% पूरा करना है। इस पर हम लोग का बहुत सारा गाइडलाइन है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। और सरकार के तरफ से बहुत सारा हम लोग को सुविधा भी प्रदान किया गया है, लेकिन जब हम लोग फील्ड में निकले तो बहुत सारा चीज़ों को त्रुटि पाया गया। और उन चीज़ों को जब प्रभारी के समक्ष रखा गया तो प्रभारी ने इग्नोर कर दिया कि ये सब कुछ गलत है। देखिए, हम बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बात कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब हमने फील्ड में गया और एक जगह पे हमारी सहिया सेविका बहने से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सर आप सिर्फ काम और काम कहते हैं, काम और काम। आप कभी भी सर आप अपने लिए हमारे लिए नाश्ता पानी का व्यवस्था करते हैं। हम कहे कि क्यों, हमारे विभाग से तो आपको नाश्ता पानी आता है। हमारे प्रभारी महोदय जो डॉक्टर एस के साबरी हैं, हमारी प्रियंका बैम जो हैं, प्रियंका कुमारी सिंह, वो आपके लिए तो नाश्ता की व्यवस्था करती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सर देख तो लीजिए क्या नाश्ता की व्यवस्था है। तो हमने देखा तो बिल्कुल भौचक्का रह गया। उस नाश्ता का पैकेट में एक आदमी को क्या दिया जा रहा है, कुरकुरे मोटू पतलू और एक बन पाव रोटी दिया जा रहा है। हमने जब देखा तो मेरा तो मन एकदम चिड़चिड़ा गया। उस पैकेट को लाकर हमने प्रभारी महोदय को दिखाया। जब प्रभारी महोदय को दिखाया तो वो बोले कि इसमें क्या गलत है, मोटू पतलू तो हर कोई खाता है। तो उसके बारे में हमको कहना है कि सबसे पहला चीज़ है कि कोरोना वैक्सीन में जो भी आदमी लगे हुए, जब उनको सरकार दिया है कि एक टीम के लिए 500 रुपया दिया जा रहा है नाश्ता पानी के लिए, तो वो 500 रुपया में ये मोटू पतलू खिला के 30-40 रुपया का वो बंडर बांट किया जा रहा है। हमारी सहिया बहने ANM लोग सारे लोग त्रस्त हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे 11 स्वास्थ्यकर्मी जो 2211 हेड में आते हैं, उनका आवंटन जून में ही आया हुआ था। और हमारे यहाँ जो बैम है ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, इस बात को गुप्त रखी कि हमारे यहाँ 53 लाख रुपया कुछ आया है। जब ये बात पता चला कि रातू को पेमेंट हो चुका है, नामकुम को हो चुका है, CSC और मांझी को हो चुका है, तो जब ये बातें फैली तब उनको बोला गया कि आप इस बात को क्यों छुपा के रखे। तब उन्होंने क्या किया कि जब हम लोग इस मामला को CS स्तर तक दिए, तब वो क्या किए वहाँ से आज के जी जून माह में ही आवंटन आया। और उस जून माह में आया तो तुरंत जुलाई तक, जून के लास्ट तक पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन वो पेमेंट आज दिनांक 4/1/2022 तक पेमेंट नहीं हुआ है। इसका पूरा दोषी वहाँ के ब्लॉक अकाउंट मैनेजर है। उस 11 कर्मचारी में एक बेचारी कैंसर पीड़ित है, वो पैसे के अभाव में अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा पाई, आज उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है। कई कर्मचारी हमको लिखित शिकायत की हैं कि हमने सूद में पैसा लेके काम किया। कई लोग अपने बच्चे का एडमिशन बढ़िया स्कूल में जो चाहती थी कि जिस स्कूल में कराऊँ नहीं करवा पाए क्योंकि उनको समय पर भुगतान नहीं हो पाया। इस तरह से बहुत सारी समस्या है। एक बहुत बड़ी समस्या है कि आयुष्मान भारत में जो भी फंड हमारे CSC को मिला है उसका 25% चिकित्सा कर्मियों को, चिकित्सा को बांटना है। उस पैसा का बहुत बड़ा बंडर बांट हुआ है, इसका तुरंत इंक्वायरी करवाया जाएगा तो बिल्कुल जमी पे ये आ जाएगा कि कितना बड़ा। हमने सिविल सर्जन को प्रगतिशील नागपुरी समाज एक संगठन है, उसकी उनके पैड के माध्यम से इन्फॉर्मेशन सारा सिविल सर्जन को दिया है लिखित कि हमारे क्या क्या पॉइंट्स है जिस पर हमको न्याय चाहिए। तो उसका कोई जवाब अभी तक सिविल सर्जन की ओर से नहीं आया। आज सुबह 8 बजे BDO साहब आए थे सुबह में, और उन्होंने सारी ANM को बुला के कहीं कि आपका सारा समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक BDO स्तर से भी किसी तरह का कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाया। हमारी मांगे हैं कि हमारी जो जायज चीज़ें हैं, जायज जो हमारा हक का पैसा है और जो हमारा जो आवंटन जो समय पे आया है उसको क्यों नहीं समय पे दिया गया, जिसके कारण हमारे कई कर्मचारी बीमारी से जो जूझ रहे थे वो गंभीर और हो गए हैं, बहुत सारे लोग का मानसिक प्रताड़ित हुए हैं। तो उसकी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो दोषी व्यक्ति हैं। हम यही चाहते हैं।
जी हम अपने विभाग से मांग करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य सचिव से मांग करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य मंत्री से मांग करते हैं, सिविल सर्जन से मांग करते हैं, डीसी महोदय से मांग करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए, हमें न्याय दिया जाए, हमें न्याय दिया जाए। देखिए, सीएचसी के कर्मचारी, सीएचसी कांके के कर्मचारी का एक मूल प्रति मेरे पास आया अखिलेश प्रसाद के थ्रू से, और मैंने उसको कर्मचारी का निदान करने के लिए सिविल सर्जन को एक एक बिंदुवार तौर जी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कांके के स्वास्थ्य कर्मी और सहिया कर्मी का जब ही मामला हमारे पास आया, मैंने सिविल सर्जन रांची को 31 तारीख को त्वरित कार्रवाई करने हेतु एक आवेदन हमने दिया कि वहाँ जांच करके इसमें मामला का जल्दी निष्पादन किया जाए। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि सिविल सर्जन, स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री, जिला प्रशासन उपायुक्त हो, संबंधित उच्च पदाधिकारी इस पर कांके के मामले को सुलझाएं, और स्वास्थ्य कर्मी का जो मामला है, जून महीना से वेतन नहीं मिला है, ये बहुत संवेदनशील है। उसमें से एक आदमी को कैंसर पीड़ित है, जो कि वो मानसिक रूप से कैसे इलाज कराएंगे, पेमेंट मिलेगा तो इलाज कराएंगे, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी और जो भी संबंधित लोग हैं, क्यों इतना नेग्लिजेंस किया गया, किस लिए इतना विलम्ब हुआ, इस पर कड़ी से कड़ी जांच हो और संबंधित जो दोषीवार हैं उन पर कार्रवाई हो। देखिए, सीएचसी कांके के कर्मी और सहिया का जिनका तलब तनख्वाह कुछ नहीं है, वह मोटिवेटर के रूप में काम करती है, और उनका जहाँ 125 रुपया लंच के रूप में सरकार द्वारा दे है, और मोटू पतलू नाम का एगो मिक्सचर दे करके 12-15 रुपया में जो है सो इन लोग को ठगने का काम किया जा रहा है, तो ये बहुत ही लज्जा की बात है। ये सरकार को, प्रशासन को ये मामला को गंभीरता से लेने चाहिए कि ये सरकार देती है वो किस आधार पर काम करेगी भूखे रह करके। इसलिए हमने, हमारे नागपुरी समाज की ओर से इनकी दुखद समस्या जब आया तो हमने इसको संज्ञान में सरकार तक, सिविल सर्जन तक देने का काम किया। कल को अगर इनकी मांग पूरा नहीं होगी तो इनके मानव हित में, मानव कल्याण के लिए हम सरकार तक ये पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी मांग पूरा करने के लिए हम पूरे छोटा नागपुर में, झारखंड में हमारी जो लोग हैं, हमारे जो संगठन है, हम इन्हें समर्थन करेंगे, इस तरह का अन्याय नहीं होने देंगे, हम लोग इनके साथ हैं। मैं नरेश चंद्र कारजी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रगतिशील नागपुरी समाज के झारखंड प्रदेश का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।